Hello, what's up? Namaste. I hope everybody's doing awesome. And एक और चीज़ मैं ये सोच रहा था यार, आप लोगों को बताने की, ये बहुत ही एक छोटा सा वो है लाइफ का, कि लाइफ में ना जब आप काम वाम कर रहे हो बहुत सारे, तो घूमना फिरना जरूरी है, बहुत बहुत ही जरूरी है घूमना फिरना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता। अब मेरे को देखो, मैं काम कर रहा हूँ, और काम क्या, आई एम फार अवे फ्रॉम माई कंट्री, एंड सारे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो थे वो इंडिया में ही हैं, अच्छा खासा अपनी जॉब कर रहे हैं, कोई एयरफोर्स में है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत ही अच्छी कंपनीज में है, और आई चोज टू बी हियर, मैं यहाँ पे हूँ, तो विच इज़ गुड, आप करिए जहाँ पे आपको करना है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके साथ मिलना नहीं हो पाता। अब कभी छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर इंडिया जाना पड़ेगा, फिर उनको उनके साथ में प्लान करना पड़ेगा, कोई आता है कोई नहीं आता है, कभी जब जब तक आप हो साथ में, या फिर कभी स्टार्टिंग में ही तो कोई आ नहीं जाता कहीं दूर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जॉब स्टार्ट कर रहे होते हो, या फिर कॉलेजेस में होते हो, या फिर स्कूल में होते हो, तो प्लान करो। स्कूल का मैं नहीं कह सकता क्योंकि स्कूल टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं होता, उस टाइम पे टाइम बहुत होता है, सारे साथ में होते हैं, लेकिन उस टाइम पे पैसा नहीं होता। फिर हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में थोड़ा पैसा होने स्टार्ट हो जाता है क्योंकि घर वाले देते हैं खर्चा, तो उसमें से हम अपने खर्चा थोड़ा कम करके इकट्ठे करके कभी निकल लेते हैं, लेकिन वो भी इतनी बड़ी ट्रिप नहीं होती कभी, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे मेरे साथ तो बहुत सारी मेमोरीज है मेरी कॉलेज टाइम की भी, बट उसके बाद एक और फेज ऐसा आता है जब आप शादीशुदा भी नहीं होते लेकिन आप जॉब कर रहे हो, आपके पास पैसा भी ठीक है क्योंकि आप कमा रहे हो, और फिर टाइम का थोड़ा होता है, लेकिन आप तब भी साथ होता है, तब सारे सारे साथ में हो सकते हैं सारे दोस्त, क्योंकि वो स्टार्टिंग होता है ना जॉब का, तो उस टाइम पे इधर उधर ज़्यादा नहीं होते लोग, सारे आस पास ही होते हैं, और पैसा भी होता है, तो बस आपको सिर्फ टाइम निकालना होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे टाइम निकालिए, उसमें भी हैं जो मेरे सारे दोस्त भाई बहन, और प्लान करिए। मैं बताता हूँ तुम्हें एक छोटी सी, हम लोगों ने भी बहुत सारे प्लान करे, और वो कभी वो अचानक वाले प्लान जो होते थे ना, वो बहुत वो ज़्यादा अच्छे हो जाते थे एक्चुअली। वो आज भी जिस चीज़ में कोई प्लान नहीं होता था, या फिर जिस चीज़ में ज़्यादा डर और लगता था, या फिर ज़्यादा कुछ ऐसा खतरनाक हादसा हो जाता था, हादसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिससे डर लग जाता था कि यार भाई ये क्या कर दिया हमने, वो चीज़ें आज ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं सोच के, और बातें भी जब करते हैं तो उसमें मज़ा आता है। ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये इसको कितना साल हो गया होगा यार, 6-7 साल तो हो ही गया होगा, और एक ऐसा ही मेरे पास है, इसका ही हल्का डिफरेंट वर्जन मेरे छोटे भाई के पास है। तो हुआ यूँ था कि हम लोग दिल्ली में थे, एंड मी मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा दोस्त, उसकी वाइफ और दो और दोस्त, वो दो जो दोस्त थे वो ऐसे कोलीग थे, वो उनको हमने कभी पहले जाना नहीं था, मिले नहीं थे। तो एक दिन ऐसे ही प्लान बन गया कि मेरा छोटा भाई नैनीताल में था उस टाइम पे, वो वहाँ पे पढ़वल रहा था, कुछ कोर्स वोर्स कर रहा था, तो हम लोगों ने प्लान बनाया। अब वो छोटे भाई की वजह से नहीं बनाया, वो था उधर ही, बट हम लोगों का नैनीताल जाने का प्लान था, हमने नैनीताल जाने का प्लान किया। हमारे पास कार वार बाइक वाइक से जाना नहीं था, तो बस से निकल गए थे हम लोग, बस से हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पे 1-2 दिन बिताए, और वहीं नैनीताल में एक दिन हम, वो मार्केट है वहाँ पे, आई थिंक कोई बोटिया मार्केट है आई थिंक, तो वहीं पे हम लोग गए थे। तो मेरा छोटा भाई था उस टाइम पे, वो जॉब वॉब करता नहीं था, मैं जॉब करता था दिल्ली में, तो उसने कहा कि यार एक हुडी दिला दे। मैंने कहा चल देखते हैं। अब वो वहाँ पे जो बोरिया मार्केट में वो इतनी महंगी है, वहाँ पे वो डबल करके भी प्राइस बता देते हैं अब आपको। तो हम लोग गए और ऐसे ही दिखा मेरे को, तो मेरे को एक कलर बहुत पसंद आया, मैंने कहा यार वो देखो बढ़िया लगी, एक्चुअली उसने कहा शायद कि यार वो देखो, तो दोनों को पसंद आ गई। तो मैंने पूछा प्राइस, उसने कहा भाई 1200 की एक है। मैंने कहा भाई 1200, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, हम लोग यूँ करके पीछे मुड़ गए और निकल गए हम लोग। लेकिन फिर मैंने शाम को, क्योंकि हम अगले दिन भी वहीं थे, तो शाम को सोचा मैंने यार ये काम करते हैं ना, फिर कभी आना तो होगा नहीं नैनीताल, और इस बार नहीं यहाँ पे होगा, सैलरी भी इतनी नहीं होती थी भाई उस टाइम पे,
उस टाइम पे एक सोचा मैंने 10 बार ये हुडी लेने के लिए, क्योंकि ये 1200 की थी और मेरे को 2 लेनी थी, तो 2000 रुपये की हुडी लेने के लिए एक लड़के को सोचना पड़ता है जब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और उसने पढ़ लिख के थोड़ा सा जॉब स्टार्ट करी हो अपनी पहली, तो ऑनेस्टली सोचना पड़ता था। आज क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ ना मैं सोचना चाहता हूँ उस बारे में। तो आज जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि कुछ सोचना ना पड़े, तो वो बात अलग थी। ठीक है, तो खरीद ली मैंने, और एक उसके पास है एक मेरे पास है। वो टाइम और जो हमारे साथ वो दो जो लड़के थे ना कॉलेज हमारे, वो भी इतने अच्छे लड़के थे कि नैनीताल 2-3 दिन का हमारा टूर बना था और हम लोग निकल गए। एक का घर था वहीं कहीं बनबसा से आके, पता नहीं कौन सी जगह थी यार, मैं तो नाम भूल गया उसका। उसने कहा कि जब आ रखे हो कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा मेरे घर तक हो आते हैं, रुक जाओ 1-2 दिन। हमने कहा भाई नहीं, यहाँ सब ने अलग अलग छुट्टियाँ ले रखी है, नहीं हो पाएगा। और किसी तरीके से हमने वो प्लान बन गया। उसी रात को हम लोग दिल्ली वापस आना था, हम लोग दिल्ली नहीं वापस आ रहे, हम लोग चले गए उधर बनबसा से होते हुए उसका घर। रात को पहुंचे भाई 3-4 घंटे का वो खड़ड़ 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 उस ट्रैकर पे, परेशान हो गए हम लोग तो, और डर लगने लग गया। वो यूपी था उस टाइम पे, 5-6 साल पहले की बात, उस टाइम योगी भी तो नहीं आया था वहाँ पे यार, डर तो लगना ही था, तो बहुत ही डर लग रहा था। बट वो बस एक इस बात की वो थी, मतलब इस बात का हमें वो था कि यार ये यहीं का है लड़का, इसे पता है इसका घर, इसके घर की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। बट तब भी मैं और मेरा दोस्त, तो क्योंकि हमारे साथ में लड़कियां थी ना, तो मेरी गर्लफ्रेंड थी और उसकी वाइफ थी, तो हम लोग एक दूसरे की तरफ ना यूं ही देखे जाते थे बस, हर आधे एक घंटे में कि यार भाई वो हेलो क्या चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ। फाइनली हम लोग वहां पहुंचे उसके घर पे, मूनलाइट थी आज भी याद है, ऐसी दो खेतों के बीच से जा रहे थे और उसका घर आया। उसके पापा इतने अच्छे इंसान कि उन्होंने जो खातिरदारी हमारी करी ना वो अलग ही लेवल की थी, अलग ही लेवल की थी। वो सब कुछ उन्होंने रखा हुआ वहां पे, और यहाँ तक कि उनके लड़के के साथ के थे हम, उन्होंने बियर तक फ्रिज में रखवा रखी थी, पूछा नहीं कुछ नहीं, बस रखवा रखी थी। कैन यू इमेजिन, पूरे दिन के इतने, उसके बाद जब थक के हम चूर हो गए थे, हमने शावर वावर लिया उधर और हम बैठे ना, और उन्होंने जो खाना वाना बना रखा था, उसके बाद इतना इतना सुकून जिंदगी में नहीं मिला मेरे को ऐसे कभी, सारे के सारे मजे से। और अगले दिन और सरप्राइज, अंकल ने और बड़ा सरप्राइज रखा हुआ कि एक लड़के को बुला रखा न्यू स्कॉर्पियो के साथ में, और वो लड़का हमारा ड्राइवर, और उसको बोल दिया कि बेटा इनको नेपाल घुमा के ले। वाह भाई, नेपाल, नैनीताल घूमने आए थे, 2 दिन बाद वापस जाना था, 3रा-4था दिन आज, और किसी और के घर जा रखे, और वहां से फिर नैनीताल होने का प्लान, और वहां से फिर नेपाल होने का प्लान बन गया। बस हम भी निकल गए, बैठे सब स्कॉर्पियो में, चले गए महेंद्र नगर, घूम के आ गए हम लोग। और महेंद्र नगर अलग है, कैसीनो भाई, लास वेगास वाला सीन आ गया, मतलब ऐसा लग रहा था वहां के मैं जॉब करता था दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में भी कैसीनोज है, ऐसी बात नहीं है। और हम तो होटल इंडस्ट्री वाले बंदे थे, हमने तो सब चीज देखी हुई थी, लेकिन वहाँ के जो कैसीनोज की वाइब है ना वो अलग ही लेवल की है। वो बिल्कुल वो कलरफुल थिंग्स, और वो अंदर बिल्कुल वो चमचमाती हुई लाइट्स, और वो दिखता है जैसे, ऐसा लग रहा है लास वेगास में आ गया। अच्छा लगा वहाँ पे, हमने कुछ लोकल चीज़ें खाई, कुछ चीज़ें देखी, लोगों से मिले विले, थोड़ा बहुत बातें करी, पूरा दिन स्पेंड किया और वापस हम आ गए। तो वो टाइम इतना अच्छा था 3-4 दिन का कि आज मेरे को याद नहीं है कि हम लोग वापस कैसे आए थे, ट्रैकर से आए थे, बस से आए थे, कैसे आए थे, क्योंकि वो चीज़ें मैं याद ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, हम लोग सिर्फ उन्हीं मेमोरीज को याद रखना चाहते हैं, या तो वो बिल्कुल ही खतरनाक बेकार रही हूँ हमारे साथ में, या फिर वो बहुत ही अच्छी रही हूँ, नॉर्मल चीज़ें कभी याद नहीं रहती हमें। तो वो 3-4 दिन जो थे इतने प्यारे गुजरे थे कि बस वापस आने का मेरे को याद तक नहीं है कि यार मैं कैसे आया था, शायद मेरे साथ वालों को याद हो बट मेरे को कुछ भी याद नहीं है। यू नो नो बडी वॉन्टेड टू कम बैक, दैट वॉज सो अमेजिंग। ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों ने प्लान किया था, जू में गए थे, वो बहुत ही बड़ा
गोल्डन कलर का जो टाइगर था वो नैनीताल के नैनीताल में ही है वो जू वहाँ पे। ये कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ना अमेजिंग होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं और जिसे हम चाहते हैं कि यार वो बार बार वापस आए। यू नो एक घंटे की पैडलिंग वो नाव वहाँ पे हमने वो किराया दिया एक अंकल को और 2-3 घंटे घुमाते हुए आ गए अंकल, हाथ हिलाते रह गए दूर से कि बेटा अब आ जाओ वापस करके हम नहीं आया हम वापस। हमें मजा आ रहा था, कोहरा लग रहा था, कोहरा हट रहा था। हम लोग मस्त से गाने चला रहे थे नहीं, लेकिन बाद में हमने उन्हें पैसे दिए एक्स्ट्रा के, जितना हमने एक्स्ट्रा किया था हमने पैसे दिए अंकल को और बोला कि अंकल देखो मज़ा आ रहा था हम लोग रुके, समझिए। तो ये चीज़ें, ये एक चीज़, ये स्मॉल थिंग्स यू नो, ये एक चीज़ थी जो हुई मेरे साथ में और ये मैं हमेशा याद रखता हूँ इस चीज़ को। और ये टी शर्ट मेरे को, ये जो हुडी है ये मेरे को आज भी याद दिलाती है उस चीज़ की और अच्छी भी है यार, मेरे को अच्छी लगती है। सो यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्लान करो कुछ भी रैंडम, कभी भी जाओ लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ जो बैकअप भी दें आपको हमेशा, भाग भाग ना जाए। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, कम रखो लेकिन अच्छा रखो। फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, 5-6 लोग बहुत होते हैं, 5-6 अच्छे दोस्त 20 दोस्तों से अच्छे हैं। तो अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ, हमेशा हमेशा साथ में रहो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, ताकि ज़िंदगी में कभी ये ना सोचने को मिले यार उस टाइम पे टाइम था वो नहीं किया, इस टाइम पे टाइम है वो नहीं किया। कभी अगर ये भी लगे ना कि यार पैसे ही कमी पड़ जा रही है थोड़ी सी, नहीं कर सकता है, पैसा कमा लोगे, कर लो उस चीज़ को, जिस चीज़ को जो, अगर मैं उस दिन ये टी शर्ट ना खरीदता तो मैं, ये होती भी नहीं मेरे पास और वो यादें भी नहीं होती। एक मेरे भाई के पास है, मेरे पास है, पैसे कमी थे मेरे पास उस टाइम पे भी, ऐसा नहीं है। और ये छोटी सी चीज़ें कभी कभी हम लोग पूरे प्लान ही कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बट होने दो, कोई बात नहीं, पैसा तो कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो तभी तो है तुम्हारे पास, और जब पैसा है तो और भी होगा क्योंकि और भी कमाओगे ना। तो टाइम नहीं आएगा वापस, वो दोस्तों का प्लान फिर से नहीं बनेंगे, मे बी वो दोस्त कभी हों साथ में ना हो, मे बी आप हों साथ में ना हो, मे बी जो आगे बनने वाले दोस्त हैं वो कभी ये प्लान करें ही ना, मे बी दुनिया के बहुत सारे एडवेंचर छूट जाएं आपसे। ऐसे ही मैंने लद्दाख का भी प्लान किया था, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट स्टोरी, है ना। बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज हैं, लद्दाख तो बहुत ही तगड़ा हुआ था हमारे साथ में, मजा मतलब ऐसा रैंडम प्लान था और कौन कौन गया था साथ में, आई विल टेल यू एवरीथिंग। बट ये छोटी छोटी चीज़ें प्लीज़ स्टार्ट डूइंग देम, अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ प्लान करो एंड घूमने फिरने जाओ, मजे लो जिंदगी के, कल हो ना हो, कल आए ना आए, ठीक है। नमस्कार, चलते हैं फिर।